हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीजनल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 10 तरह के फूल लेकर आई हूँ। वो आपको मार्च और अप्रैल के मंथ में लगाना चाहिए और समर सीज़न आ गया है, तो समर सीज़न में इसकी पूरे अच्छे से केयर कीजिए ताकि आपको लाइफ टाइम तक बहुत सारे फूल वगैरह देते रहें ये प्लांट। तो आगे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मेरे चैनल सीजन गार्डनिंग को दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से 10 तरह के फूल हैं। ये आप मोगरा है और जैस्मिन है, गुड़हल है, हिबिस्कस है और इसमें मैंने और आगे रात की रानी है, मोगरा है। तो मैंने बहुत सारे इस तरीके के फ्लावर आज आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो रात की रानी का जो फ्लावर है बहुत ही सुंदर भी दिखता है, जैसे कि मैंने मेरे चैनल पर जो वीडियो उसमें डाल के रखा है रात की रानी का, किस तरीके से आपको पूरी उसकी पॉटिंग करनी होगी, किस तरीके से उसको लगाना होगा, वो सब आपको मेरे चैनल पर वीडियो में दिख जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी डाल दिया है कि इस किस तरीके से आपको अपनी पेड़ पौधों की पूरी पॉटिंग तैयार करनी चाहिए, सॉइल तैयार करनी चाहिए। तो अब देखिए, ऑरेंज रोज़ भी लगाया हुआ है मैंने, रोज़ भी बहुत सारे लगाए हैं। ये रात की रानी का जो प्लांट है ये मैंने एक्चुअली नाइट वीडियो बनाया है इसका, तो नाइट वीडियो में ये बहुत सुंदर भी दिख रहा है और मन नहीं करता है कि इसको बस देखते रहो और इसकी खुशबू बस सुनते रहो, बहुत तो अच्छा लगता है। तो मैं खासकर अपनी तारीफ पर इसके लिए ही जाती हूँ क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। इसके जो फ्लावर है वो गुच्छे में आते हैं, जो फूल हैंगे इसके गुच्छे में आते हैं ये, और बहुत सुंदर दिखते हैं। दिन में जाती हूँ तो दिन में बंद मिलते हैं, रात में जाती हूँ तो मुझे ऐसे खिले हुए मिलते हैं। पास में मेरे नेबर रहते हैं, वो भी मुझसे बोलते हैं आपने रात की रानी का पौधा लगाया हुआ है तो आपको कुछ ऐसा डर नहीं लगता है। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, कुछ भी सांप वगैरह नहीं आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सांप आ जाते हैं, रात की रानी का पौधा घर पे मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी टेरिस पर लगाए हुआ है, मैं रोज डेली इसके लिए इस पौधे के लिए जाती हूँ क्योंकि इसमें अभी फ्लावर का जो सीजन है इसी टाइम पर आते हैं। ये 1 ईयर हो गया इसको कम्प्लीट दोस्तों, ये सेकेंड टाइम फ्लावर दे रहा है, सेकेंड टाइम इस प्लांट ने मुझे फ्लावर दिए हैं। तो इसकी प्रॉपर केयर करती रहिए। अब मैंने इसको फ्लैशलाइट चला के भी वीडियो बनाया, इसका वीडियो फ्लैशलाइट कैमरे की फ्लैश शॉट ऑन की भी, तो इससे भी देखिए कितने सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर, इस तरीके के दिखते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। अभी तक दोस्तों नहीं लगाए तो फिर बोल रही भी लगाइए इस प्लांट को ताकि बहुत सारे फूल आपको मिल सकेंगे इस प्लांट से। इसकी प्रॉपर केयर करती रहिए टाइम टू टाइम पर, और जो फर्टिलाइजर देना होता है वो दीजिए। इसका तो मैंने जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इसका भी वीडियो, प्रॉपर किस तरीके से इसको लगाना होता है, इसकी सॉइल से लेकर इसका पूरी केयर, ये सारी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। जो नेक्स्ट है वो मैंने ऑरेंज कलर का गुलाब लगाया हुआ है, वो भी मैंने अपनी टेरिस पर लगाया है। गुलाब मैंने बहुत सारे लगाए हैं दोस्तों, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, मैंने बहुत सारे के गुलाब लगाए हैं, येलो भी लगाया है। तो येलो वगैरह का मैंने इसमें नहीं डाला है वीडियो, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डालूंगी कि ऑरेंज और भी गुलाब के जो फूल हैं उसका वीडियो। ये नेक्स्ट है मोगरा, ये अभी इसकी फरवरी में इसकी केयर की जाती है और ये मार्च अप्रैल मई जून तक में बहुत सारे फूल देकर जाता है और ये देवी जी को चढ़ता हैगा, इसका भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ चैनल पर। तो ये मोगरे में भी फूल आए हुए हैं अभी, और ये गुलाब है, ये गुलाब बहुत अलग है और इसका जो इसकी जो कली आती है बहुत बड़ी रहती है और इसका जब ये खिलता है तो इस तरीके से खिलता है। ये पिंक कलर का शेडेड गुलाब है, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो ये जो सारे प्लांट है ये तो 12 महीने वाला रोज़ है, ये 12 महीने चलता रहेगा। और जो सारे प्लांट हैं वो कुछ प्लांट है जो समर में लगाए जाते हैं, कुछ विंटर हैं, कुछ 12 महीने तक चलते हैंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो ये लिली है ऑरेंज कलर का, आज का वीडियो ही मेरा ये था कि आपको सारे जो मेरे फ्लावर के प्लांट है वो दिखाने थे, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है पूरा प्रॉपर। और ये ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर दिखता है ये भी।
और आज का वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगता है दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर बताइएगा कैसे लगे आज का मेरा वीडियो और मेरी जो फ्लावर लगाए हैं मैंने वो कैसे लगे। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए पौधे के साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मास्क जरूर लगाते रहिए, अभी भी कोरोना गया नहीं है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।